हम कि डाटा स्ट्रक्चर होती क्या है. व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर? एंड व्हाई वी नीड डाटा स्ट्रक्चर? कि हमें डाटा स्ट्रक्चर हमारा है क्या और हमें इसकी नीड क्यों पड़ी? तो हम कह सकते हैं जो डाटा स्ट्रक्चर है वो एक वे है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को, जो हमारा डाटा है उसको स्टोर कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि हमारे पास उस डाटा को एक्सेस करना इजी हो जाए. तो इसके लिए पहले हम डेफिनेशन देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर की. Data structure is a particular way of organizing data in a computer system so that it can be used efficiently. हमने देखा डाटा स्ट्रक्चर जो है, डाटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन ए कंप्यूटर सिस्टम सो दैट इट कैन बी यूज एफिशिएंटली. और हम ये देखेंगे कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, डाटा स्ट्रक्चर की नीड क्यों पड़ी हमें. तो मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है कि हमें एक डिक्शनरी तैयार करनी है जो भी हमारे पास वर्ड्स हैं उनके बारे में, उनके लिए. तो मैंने क्या किया कि जो भी मेरे को वर्ड मिलते गए उनको मैं सीरियल वाइज सेटअप करती गई. लेकिन ये नहीं कि भाई मैंने ये नहीं देखा कि ए बी सी डी इस तरह से, नहीं, मेरे को जो सामने वर्ड, मेरे सामने जो भी वर्ड आए उनको मैं लिखती गई, स्टोर करती गई कंप्यूटर में. मान लीजिए पहले मेरे पास ए वर्ड वाले लेटर आए, फिर बीच में मेरे पास कुछ बी वर्ड वाले आ गए, फिर मेरे पास कुछ डी वाले आ गए. ऐसे करके मेरे पास जो भी लेटर आए उनको मैं अरेंज करती गई इस तरीके से. पहले ए से जो वर्ड बन रहे हैं हमारे पास वो आए, फिर बी से बने वो आए, फिर डी से, फिर ए से, फिर दोबारा से ए से हमारे पास आ गए, फिर सी से, फिर डी से, फिर सी से. तो इससे क्या हुआ, अब मान लीजिए मुझे इसमें सी से लेटर फॉर्म करना है, सी से जो वर्ड है वो फॉर्म करना है कुछ भी, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे अरेंजमेंट इस तरीके से है हमारे पास वर्ड्स की कि हमने जो भी वर्ड आ गया है हमने करते हम उसको स्टोर करते गए. तो मुझे पता ही नहीं कि सी वर्ड को मैं कहाँ सर्च करूं, तो ये हमारे पास क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी है ये हमारे लिए, टाइम वेस्ट होगा अब हमारा, क्योंकि हमें हर एक पेज को चेक करना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि जो वर्ड हमें चेक करना वो कहाँ पे है. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैंने एक फॉर्मलाइज मैनर में डाटा स्ट्रक्चर यूज करके एक डिक्शनरी तैयार करी, जिसमें मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट नंबर्स पे जो लिए मैंने पहले उन सबको वर्ड्स को देखा, फिर उनको मैंने सीरियल वाइज, मतलब पहले जो ए से जो वर्ड बन रहे थे मैंने पहले वही स्टोर करे, ठीक है, जो ए से थे, फिर मैंने बी वाले करे, फिर इसी तरह से सी वाले, डी वाले, ई वाले. तो मैं फॉर्मलाइज मैनर में स्टोर करती गई. तो इससे क्या हुआ कि जब मुझे पता है कि जब मैं देखूंगी, मान ली ई वर्ड से मैं देखना चाहती हूँ, तो मुझे पता है कि डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा. तो इस तरह से सर्च इन
होगी वो इजी होगी। और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा, तो इसीलिए हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी कि हमें जो जो डाटा हमारे पास है उसको हम इस तरीके से स्टोर करें कि हमें उसको एक्सेस करना इजी हो जाए। तो जो डाटा स्ट्रक्चर है उसमें हम डाटा का यूज करते हैं, तो हम कुछ हमारे पास कुछ एक डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। कुछ एक वर्ड है डाटा, डाटा आइटम, रिकॉर्ड, फाइल। ये कुछ वर्ड्स हैं, हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डाटा क्या होता है हमारे पास? जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, फैक्ट्स है, उनको क्या बोलते हैं? डाटा। डाटा कैन बी डिफाइंड एज a representation of fact or concept in formalized manner. जो हमारी कम्युनिकेशन के लिए सुटेबल हो। फिर हमारे पास आता है डाटा आइटम। तो डाटा आइटम क्या है हमारे पास? ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स विच आर यूज टुगेदर टू रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक डाटा एलिमेंट। तो जो हमारे लेटर्स है उनका कलेक्शन जो हम करेंगे, करेक्टर्स का हम कलेक्शन करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? डाटा आइटम। ए सेट ऑफ करेक्टर विच आर यूज्ड टुगेदर टू रिप्रेजेंट a specific data element. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? डाटा आइटम। फिर हमारे पास आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम। कलेक्शन किसका होगा? ये जो भी डाटा आइटम हमारे पास रिलेट करेंगे उनका कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम। फाइल हमारे पास क्या होगी? कलेक्शन ऑफ जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? उनके रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? फाइल। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल। जैसे हमने यहां पे टेबल ली है, डाटा हमारे पास क्या होगा? जो भी हमारे पास फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, उनको हम क्या बोलेंगे? डाटा। जैसे ये हमारे पास है स्टूडेंट, स्टूडेंट के बारे में हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम एंड यहां पे उसके मार्क्स। आईडी हम 1, 2, 3 ले लेते हैं, नेम एबीसी, तो ये हमारे पास क्या है? डाटा आइटम। आप यहां पे नेम कुछ भी ले सकते हैं, अमन कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? डाटा आइटम, ए सेट ऑफ करेक्टर्स विच आर यूज टूगेदर
टू रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक डाटा एलिमेंट। तो ये हमारे पास क्या डाटा आइटम। रिकॉर्ड क्या होगा, जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट की के बारे में ये पूरा रिकॉर्ड है, ये हमारे पास क्या हो गया रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम। रिकॉर्ड किसको बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम। फिर हमारे पास आती है फाइल। तो ये जो स्टूडेंट है ये क्या है, हमारे पास एक फाइल है जिसमें हमारे पास जो रिकॉर्ड्स है, जैसे अमन है, बी स्टूडेंट है, सी है, इनके बारे में जो भी रिकॉर्ड है उसके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, फाइल। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर जो वर्ड्स है जो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर में यूज होते हैं। तो हमने देखा फाइल क्या होगा, कलेक्शन ऑफ जो भी रिकॉर्ड्स का कलेक्शन है उनको हम क्या बोलेंगे, फाइल। अब हम देखते हैं कि हम डाटा स्ट्रक्चर को कि कितनी मतलब क्लासिफिकेशन कितने उसमें करते हैं, कितनी टाइप की होती है हमारे पास। मेनली हमारे पास टू टाइप से होती है, एक तो प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। जो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होती है इसको फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, इस तरह से होते हैं हमारे पास। और जो नॉन परमिटिव होती है मेनली हम डाटा स्ट्रक्चर में इन्हीं का यूज करते हैं, ये होती है टू टाइप्स की, लीनियर और नॉन लीनियर। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। थैंक यू बच्चों।